मीठे में बनाया क्या है ये? अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। क्या कह रहे हो आप? ये वाला अंडा कह रहे मैंने खाना है, और मैंने इधर जन से ना प्याज लिया काट। अच्छा मैं आपको बना कर देती हूँ ये वाला अंडा, आप सारे अंडे ना इसमें रख दे, ठीक है? मैं आपको अभी, हाँ जी, आप इसे ना एक साइड पे रख दे ताकि टूट ना जाए। तो इसमें अदरक लहसुन और टमाटर तो अभी जन से ना ये मैं धोने के लिए जा रही हूँ, घी मैंने मंगवाया है, और अब जन से ना टमाटर भी धो लेती हूँ ताकि जी जी अच्छा पता नहीं शापर जन से ना कैसे करके ले आई है इसको, तब टमाटर भी धो लेती हूँ क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ जी आलू अंडे। तो भाई क्या कर गए थे कि बाजी गोश्त वगैरह खा खा कर हम तंग आ चुके हैं, और आप जन से ना आलू अंडे बना दें। मैंने कहा भाई देख ले, मुझे तो कोई बात नहीं है, ये टमाटर हमारे धुल चुके हैं, आलू मैंने धोकर पहले से रख चुकी है। ओनू आ जाओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आओ जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या करना है आपने? क्या? हाँ जी, अच्छा आप आ जाओ इधर आओ। ओनू ये थर्मस जो है ना ये सारे कमरे का तहस नहस करके ये आया हुआ, थर्मस उठा कर यहाँ पे रखो। और अच्छा ओनू फजैल मोहम्मद का ना दूध अंदर लेके जाओ, सुभान फजैल का, ये अंदर उधर लेके जाओ। अभी ये सिर्फ कर रहा है प्यार, और कैक्शे से लेकर यहाँ पर बैठी हुई है, जाहिर है कैक्शे से लेकर बैठेंगी तो मैं अभी जो है ना कोई काम काज कर पाऊंगी घर का। और अम्मी तो अभी जाना है जी जी, तो शाम भी हो चुकी है और खुद हम भी 2 घंटे तक पहुंच जाएंगे, तब तक जो है ना हमारा सालन भी रेडी हो जाएगा। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, ये ना समझे कि काले हुए, ये जो है ना वो जामनी जामनी से प्याज नहीं होता जैसे, ये वो प्याज है। क्या खाना है? अंडा खाना है। तो ये जी तमाम मसाले इसमें डाल दिए हुए हैं, आलू छी ओनू उधर हो जाओ मेरा बेटा, इधर आ जाओ। तो कह रहे हैं मैंने ना अंडे खाने हैं, मैंने कहा मैं अंडा बना देती हूँ अपने बेटे को। और ये मेरा सुभान फजैल, मेरा पारा पारा सा बच्चा, और ये भी मेरा पारा पारा सा बच्चा, मेरे ये दोनों बच्ची जो है ना। अच्छा इधर मेरी बात सुनो, आप इस पे चेयर पे खड़े जाओ, आप इस पे चेयर पे खड़े जाओ। ऐसे ये छोटा सा है ना, ये चल नहीं सकता ना। अच्छा ये मुझे बताइए किसका भैया? मेरा भैया। काका किसका है? ये जी लग रही है यहाँ पे आलुओं की बुनाई अच्छे से, बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डालकर फिर इसमें अंडे डाल दूंगी। और मोहम्मद क्या करते फिर रहे हो? मेहंदी लगाई थी? ओए ओए नहीं, ये देखिए मैंने अपने हाथों मेहंदी लगाई है, एलर्जी हुई है मेहंदी से। ये क्या है? ये कुत्ते का खून है। तो मगरिब भी हो चुकी है और सैन की लाइटें भी नहीं जलाई मेरे ख्याल से अभी तो, बड़ा अच्छा ये खून है। अच्छा ठीक है, तो लाइटें जलाते हैं यहाँ की ना बाहर की, जब तक इसकी बुनाई लग जाती है अच्छे से। इसमें पानी ऐड करती हूँ, कदम भी आ जाएंगे, खाना खाएंगे। तो जी पेड़े हमारे बन चुके हैं और रोटी मेरे घर तैयार कर लूंगी अब, एक तो सालन तैयार हो रहा है और जाहिर है खुदम आ जाएंगे अपनी वर्किंग से, तो वो बाहर खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, उन्हें आदत है घर आकर खाने की। और सिस्टर है बहनोई है तो वो भी मुझे क्या कर गए थे कि आपने यही बनाना है जी। अच्छा और उधर जाना हमने अम्मी जी की तरफ, तो उन्होंने नहीं, बहुत बुरी बात है मेरा बेटा, बहुत बुरी बात है। आ जाओ छोटी छोटी रोटी बात हूँ। अच्छा ठीक है, तो वो भी क्या गए थे कि आलू अंडे बना लेना, मैंने कहा ठीक है भाई आलू अंडे बना ले क्योंकि उनका दिल होगा आज। तो यहाँ पर मैं एक बार कहना चाहूँगी कि एक मौलाना भाई साहब है हमारे, क्या कहे उन्होंने, उन्होंने खुद ही बात की, तो जब मुझ पर चोरी के इल्ज़ाम लगाए तो उन्होंने धड़ाधड़ वीडियो बनाई, धड़ाधड़ अवाम ने तो उनको कमेंट्स के जरिए जलील किया कि अब बेगम ने नकाब उतार दिया, तो उनको इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा
फिर वो कानूनी कार्रवाई तक आ गए और फिर वो वहां तक आ गए, क्या कहते हैं, से हम किसी के बारे में बात नहीं करते हैं, हम नहीं चाहते, एक मिनट, हम नहीं चाहते कि हम किसी के बारे में बात करें, जब हमारे बारे में हम किसी के बारे में बात नहीं करते तो कोई हमारे बारे में भी बात ना करें। तो भाई जब वो कहते हैं ना, जब अपने पर बनती है ना पता, जब चलते जब मुझ पर चोरी के इल्जाम लगे तो तुम लोगों ने धड़ाधड़ वीडियो बनाई, ठीक है, तो ना पता था सच्चाई का ना झूठ का, तो झूठ पर दे धड़ाधड़ वीडियो आप लोगों ने बनाई है, तो क्या उसका हिसाब तुमसे अल्लाह नहीं लेगा? अगर कमेंट्स में आवाम ने इतना लिख दिया कि बेगम ने नकाब उतार दी, ये तुम लोगों का जीना हराम हो गया, और अगर अभी तो एक ही वीडियो तुम्हारे खिलाफ लगी और तुम लोगों को रोना याद आ गया, ऐसा भी होता है कि तमाम मैंने पहले धोखे ला कर, तो जी ये मैं कर दी अपने कपड़े प्रेस, और ये मैं बता दूं इस सूट को मेरे को 2 साल हो चुके हैं मुकम्मल, तो उस वक्त भी मेरी नंद की शादी थी जब मैंने ये सूट बनाया था और पहना भी था, तो अब ऐसा है कि मैं खुदम के आने का टाइम है तो मैंने कपड़े प्रेस कर लूँ, और ऑन मोहम्मद को तो कपड़े पहना दिए मैं, सिर्फ सुबान फजैल को रह गए मैं, वो भी पहना दूंगी अभी, और उसके बाद जो है ना ये कैक्शा ने पहने अपने कपड़े है ना, क्योंकि उनके आने से पहले पहले, अच्छा अच्छा क्या चाहिए, छोटी गन चाहिए आपको, एक जो जिनसे काम वाला सूट होता है ना इसकी यही प्रॉब्लम होती है प्रेस करने की, अब मेरी बड़ी जान जाती है ऐसे कपड़ों से, इसीलिए मैं ज्यादा आम आपने देखा मैं नहीं पहनती ऐसे कपड़े, बस आने जाने में शादी ब्याह फंक्शन के लिए मैं रखती हूँ बस कपड़े, कि बस जब काम आ जाए, जब भी बस वहां पहनने आए और फौरन आकर जिनसे ना घर में कपड़े चेंज कर दिए। और ये प्रेस हो चुका है मेरा सूट, क्या अच्छा अपने कपड़े दो मुझे, कहा है जी मरी, वो भी मुझे दे, ठीक है ना, ये ले, ये आप मेरे कपड़े पकड़ ले, ठीक है, तो सोफे पे रख दे, ठीक है, चाय हमारी बन चुकी है और इधर दूध हो रहा है गर्म, तो मैं अब डाल रही हूँ अपनी चाय, कि चले चाय पी के जाते हैं, फिर वहाँ जाकर भी चाय पीनी होती है लाजमी, कपड़े मैंने अपने चेंज कर लिए, मैं क्या अच्छा नहीं कर लिए मैं जी अनु, अच्छा मैं देती हूँ, पापा से बात हुई है, पापा क्या कह रहे हैं, पापा आपके डैडी मिल के लेके आ रहे हैं, कह रहे पाप पंखा चला दिया, नहीं हाई हो जाएगी, पंखा बंद कर दो, चलो आओ ठीक है, कैसे आप भी अपनी चप्पल वगैरह पहनना जी, अनु आपकी चप्पल कहाँ है, नहीं वो कूलर पंखे के नीचे है, हाँ है जी, चलो चप्पल पहनो, वो कूलर पंखे के नीचे, अच्छा हाँ जी ये तैयार हो चुका है, ओए माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, पौधा पौधा बच्चा पौधा पौधा, तो ऑन मोहम्मद को तैयार किया वो सो गया होगा, तो पापा इनके कहने कि मैं बस आया हूँ 5 मिनट तक आपके पास पहुँचना, दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने, हाँ जी ऑन मोहम्मद ने और फजैल ने, सुबहान फजैल ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, इसके नहीं यहाँ से ये जिप जनसे ना वो टूट गई थी, मैंने फिर इसको दोनों साइडों से इसको ना सिलाइयां लगा ली है, को भाई इसकी इसकी ऐसे करके ये भाई, अब मेरा पादा पादा माटू अब तैयार हो गया है, कैसे भाई कैसे, अब हंस हंस के दिखाते हो, जब रोइया करते हो ती 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 रोइया करते हो, जब हंस के दिखाते हो तो माशाल्लाह फिर ज्यादा हंसते हो, एक गंदा बच्चा, एक गंदा बच्चा, आप ही कहा कह रही है गंदा बच्चा गंदा बच्चा, ये नहीं आप ही, मैं मम्मा का पादा पादा बच्चा हूँ, मैं मम्मा का पादा पादा बच्चा, ओए नींदी आ गई है ना, पादे पादे बच्चे मेरे, वो पादा पादा बच्चा मेरा वो सो गया हुआ है, उसे उठाकर गाड़ी में लिटाना पड़ेगा क्योंकि कल हमारी गाड़ी चली जाएगी, ये भी उनका भला अल्लाह ने जिंदगी दे जिन्होंने इतने दिन हमें गाड़ी दिए रखी, तो अब खुद हम कल जाएंगे, जाकर कहते मैं गाड़ी दे आऊंगा, मैंने कहा ठीक है, कू भाई ऐसे ही है,
आ गए आप जी जनाब, तो फिर इन्हीं कपड़े में जाना। हाँ ऐसे निकलते हैं ना। चले फिर ठीक है, टाइम नहीं है ना, टाइम फिर और मोहम्मद को उठाए उसमें लिटा दे। ठीक है वही, तो ये देख लें जी, ये भी हमारा तैयार है, दोनों भाइयों ने आज एक जैसे कपड़े पहने हुए। माशाल्लाह मिला बाबा है, मिला बाबा है, मिला छोना गुद्दा है, मिला छोना गुद्दा है, माशाल्लाह। नजर उतार दिया करो इसकी। उतार देते तो बस। और मेरे लिए तो ये तो रोटी बना रहा था। मम्मा जी थक जाती हैं, काके को भी संभालती हैं, घर का काम भी करती हैं, मम्मा जी की तबीयत खराब हो जाती है, मैं मम्मा जी को उत्ती बाके दे दूं। चल ठीक है। हां जी कक्षा क्या दे रहे? चले चले बैठे बैठे खाना। अच्छा चलो मैं यहाँ से इतने ये समेट दूँ, ये किचन में रखू जी। अभी भाई आ जाएंगे, दूध अभी गर्म है बहुत ज्यादा ना, फिर आकर जो उनसे ना ये बर्तन ज्यादा धो लूंगी, इसमें पानी डाल जाऊँ ताकि नरम हो जाए सारे। ये रहे घर के काम काज भी हैं, भाई भी ये भी वो भी सारे काम काज देखने पड़ते हैं, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। और बहुत अच्छी खीर बन रही थी, खीर ऐसी लग रही थी तो घर की हो, वो डब्बो वाली खीर नहीं लग रही थी। नहीं मसला आ जाते हमारे तो बनती थी, ये भी बाल नहीं गए, इससे भी नाराज हो, उससे भी नाराज, और शाहरुख उससे कम हूँ लेकिन तुम्हारे से ज्यादा। शाहरुख से नाराज। अच्छा तो जी सालन आ चुका है, सालन है आलू गोश्त, और आज बनाया है भाभी ने मीठा। मीठे में बनाया क्या है? ये लबेशीरी, मीठे मीठे, क्या बात। तो आज जिस बहन भाई ने खाने हम तो लगे हैं खाने, तबीयत भी थोड़ा सा, लेकिन क्या करे, खाना था ना, पेट तो मांगता है, इनकार नहीं है खाने से। वो तो तुम्हारा हमेशा ही मांगता है, क्योंकि वही दुल्हन आ से फिर अपना किचन संभाल लेंगे ना। हाँ हाँ अच्छा, तो हमारे में बनवाते हैं ना मीठा। अच्छा तो इसलिए मीठा बनवाया इनसे। सही, ये मीठा भी बनवा, मीठे के बगैर नहीं पकाएगी, बनवा लिया इधर से, मैंने समोसे भी मंगवा लिए, मीठे के बगैर नहीं पकाएगी, नहीं पका सकती, चीज बांट दे। अच्छा। लेकिन अपनी जो रस्म चलती आ रही है वो तो चलेगी। ये बड़ा गोश्त, ये इधर जी अम्मी ने मंगवाया समोसे रोल, हम चले गए थे डॉक्टर के पास, तबीयत हो गई थी अचानक खराब, छोटी सिस्टर आज गई है कराची, अल्लाह खैर खैरियत से पहुंचाए आमीन। घर की दोनों कुत्ती थी उनसे, बस घर खाली खाली हो गए, आज घर खाली खाली हो गया, क्या हुआ है, नींद आई है। चले आप ऐसा करे गाड़ी में बैठे, ठीक हो गया, और जनाब आप भी उठ जाए। सर मैं उठने ही लग रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उठने की। जी जी ठीक है। तो जी हम आ गए हैं छोटी सिस्टर के घर, और मेरा मैडम मेरी बैठी हैं यहाँ पर जी जी, और हम लोग सारे इकट्ठे होकर गए हुए थे स्टेशन पर, और मैडम मेरी थी घर क्योंकि इनकी हो गई तबीयत खराब, और माशाल्लाह से ओन मोहम्मद भी इस वक्त उठ चुका है, और बच्चे भी जो है सारे इकट्ठे होकर बैठ गए सर जोड़कर। ये काबीना आज देखो क्या रंग लाती है, क्या मोटरसाइकिल कहाँ पे है, किस पे बैठे थे, वो ना छोटा मोटरसाइकिल नहीं होता वो। हाँ। किसी का देखा होगा। अच्छा। अब इसने वो देख लिया, इसे वो चाहिए। हाँ। इन्हें से गाड़ी चाहिए थी, तो ये मेरे नंद का घर है, इन्हें घर छोड़ने के लिए आए हम, तो फिर बैठ के कहने लगी भाभी कुछ खा पी कर जाए, मैंने कहा खाना पीना कुछ नहीं है, पता चलता तो सब कुछ खा पी कर आए, मैंने कहा माशाल्लाह कहती हूँ, लेकिन बैठे हुए यहाँ पे लेकिन जाने नहीं दे रही। बच्चे भी नहीं जाने दे रहे, और ये भी। हाँ जी। और भाई भी नहीं जाने देते। जी जी। जी अब हम जा रहे हैं घर, टाइम हो गया बहुत ज्यादा है, इसकी डेरी मिल्क खड़ी है, डेरी मिल्क जो है ना अभी बाकी है। हाँ। और कहते हैं तेरे वादे की मुलाकात अभी बाकी है। हाँ जी डेरी मिल्क आपको लेके देते हैं, बात कह दी थी उसकी बाकी है।
तो चलते हैं जी घर, और टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है, तबीयत मेरी काफी ज्यादा खराब है, जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है या रास्ते में से लेते हैं या फिर जुनसाना कर लेंगे? नहीं रास्ते में से ले लेंगे, नहीं उसमें कुछ मेडिसिन जो घर रखी है कैरी से, उसमें सिर्फ एक ही है कैरी सेफ तो नहीं है वहाँ पे घर में, कैरी सेफ जरूरी है इन्फेक्शन की वजह से, कैरी सेफ रहते ठीक है, ठीक हो गया तो चलो आओ निकलते हैं।